2022 को सूचना मिली कि द्रव्यवती नाले के ट्रीटमेंट प्लांट है पास ही, वहाँ पर एक डेड बॉडी मिली है। तो सर्वप्रथम उसके संबंध में उसकी पहचान के बाबत प्रयास प्रारंभ किए गए, तो उसका मृतक का बजरंग नाम से ज्ञात होना पाया गया। फिर उसके बारे में मालूमात जानकारी प्राप्त की गई, तो बजरंग एक शंकर नाम के शख्स का मित्र था और शंकर के घर पर उसका आना जाना था। शंकर की वाइफ दीपा से बजरंग के पारिवारिक संबंध टाइप थे और वहीं पर ही शंकर अपनी भतीजी और भतीजे को भी रखता था, भतीजे की वाइफ को। और यह बात शंकर की वाइफ दीपा को नागवार गुजरती थी, तो उसने बजरंग से जब कहा तो एक दिन बजरंग ने जब वो उनके घर आया हुआ था तो उसने डंडा शंकर के भतीजे की वाइफ सुमित्रा के मार दिया था। जब यह बात शंकर को मालूम पड़ी तो शंकर ने अपने ही एक साथी राजेंद्र पुरी से बात की और इसी चीज़ पर खफा होकर उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ में द्रव्यवती नाले के पास में राजेंद्र को दारू पिलाई और जब वह पूरे नशे में था तो उसको चोटों से मौत के घाट उतार दिया। यह बिल्कुल अज्ञात मर्डर था जिसमें कि सबसे पहले तो उसकी पहचान सुनिश्चित करना, उसके संबंध में प्रतापनगर थाना पुलिस के विशेषतया शंकरलाल कांस्टेबल और बजरंगलाल साथ में पूर्ववर्ती SHO और वर्तमान SHO, इन्होंने करीब 3 महीने से सघन रूप से CCTV फुटेज, लोगों की पहचान और उसके बारे में सारा सुनिश्चित किया और फिर कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए आज हम इसका खुलासा करने में आपके सामने कामयाब हुए हैं। दोनों मुलजिमों ने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया है और आने वाले दिनों में